हाय दोस्तों, आप सबका स्वागत है आप सबके अपने चैनल अरहान एंटरटेनमेंट में। मैं हूँ राजीव सिंह। तो आज हम लोग बात करेंगे रेसलमेनिया 36 का, जो कि फाइनली इसका फर्स्ट पार्ट रिलीज हो चुका है और मैंने देख लिया। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि कोरोना वायरस के चलते इस बार रेसलमेनिया, आपको तो पता होगा कि बाहर स्टेडियम में नहीं हो रहा बल्कि WWE के परफॉर्मेंस सेंटर में हो रहा है। तो इसीलिए ये दो दिन टेलीकास्ट होगा, यानी कि आज फर्स्ट पार्ट हो गया और कल इसका सेकंड पार्ट होगा। तो आज हम लोग रिव्यू करेंगे इसका फर्स्ट पार्ट का, जिसकी ओवरऑल लेंथ की बात करो तो लगभग 3 घंटे का। और अगर मैचेस की बात करो तो यहाँ पर आपको जो मेन बड़े बड़े मैचेस देखने को मिले उसके बारे में आपको डिस्कशन करूंगा, और ये भी बताऊंगा मुझे सबसे अच्छा मैच कौन सा लगा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये वीडियो। लेकिन वीडियो आगे बढ़ाने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप हमारे चैनल अरहान एंटरटेनमेंट पहली बार विजिट किए तो चैनल को सब्सक्राइब करो, साथ ही बेल आइकन कर दो प्रेस। और हाँ, इस वीडियो की लिंक को ज्यादा शेयर कर देना, व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, जहां करना आप लोग शेयर कर सकते हो। तो चलिए बात करते हैं रेसलमेनिया 36 के बारे में, जहां पर दूसरी बड़ी बड़ी इंडस्ट्री अपने बड़े बड़े इवेंट्स को कैंसिल कर रही है, लेकिन WWE ने इस बार ऐसा कुछ भी नहीं किया। क्योंकि रेसलमेनिया सिर्फ WWE की फैंस के लिए नहीं बल्कि WWE के रेसलर लोग के लिए भी कई ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये पूरा साल इसका वेट करते हैं। इस वजह से विंस मैकमैन ने सोचा कि नहीं, इस बार WWE होके रहेगी, भले वो WWE के परफॉर्मेंस सेंटर में क्यों ना हो, लेकिन शो मस्ट गो ऑन। और इसी वजह से इसका शो हो चुका है। और मैं आपको इतना कह सकता हूँ कि हाँ, फैंस लोग नहीं है तो थोड़ा अजीब सा लग रहा है मैच देखने के लिए, लेकिन फिर भी रेसलर का परफॉर्मेंस वो कहीं से भी कम नहीं हुआ। और फर्स्ट पार्ट की बात करो तो यहाँ पर आपको काफी वुमेन्स के मैचेस देखने मिले, लेकिन जो हाईलाइट था फर्स्ट पार्ट का वो था लैडर मैच, जो कि आपको देखने को मिला जॉन मॉरिसन, उसोफ और कोफी किंगस्टन के बीच। वो यार मैच इतना जबरदस्त लगा, क्योंकि उस मैच में आपको बहुत जबरदस्त स्टंट देखने को मिले। सबसे पहली बात तो बोलूं, जॉन मॉरिसन तो आपको पता है कि यार जबरदस्त स्टंट करते, उसके अलावा कोफी किंगस्टन तो बातें लगे, उसोफ ने भी बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया वहां पे। लेकिन उसके अलावा एक और मैच था जो कि बहुत ही अच्छा देखने लायक और आप लोग को जरूर देखने थी, वो था सेथ रॉलेंस और केविन ओवेंस के बीच में। वो नो डिस्क्वालिफिकेशन मैच है, जहां पर आपको अब कौन जीता वो तो मैं आपको नहीं बताऊं, क्योंकि वो तो आपको मैच ही देखना पड़ेगा। लेकिन इतना कह सकता कि वो मैच भी बहुत ही शानदार हुआ। उसके अलावा दो और बड़े मेन इवेंट हुए फर्स्ट पार्ट में, वो एक था गोल्डबर्ग वर्सेस ब्रॉन स्ट्रोमैन, जो कि एवरेज मैच लगा मुझे, क्योंकि जितना मैं सोच रहा था उससे ज्यादा बढ़ के हटके नहीं लगा, बस ठीक ठाक ही लगा। वहां पर भी जो मुझे महसूस हो रहा था कि भाई ये इंसान जीतेगा, बस वही जीता, तो वहां पर भी कुछ ऐसा खास मुझे एवरेज मैच लगा। लेकिन जो सबसे बढ़िया मैच था वो था अंडरटेकर वर्सेस एजे स्टाइल, जो कि हमें देखने को मिला, और ये मैच का नाम था बोनयार्ड मैच। मैं आपको बता दूं कि इस तरीके के मैच को WWE में मैंने आज तक नहीं देखा, और ये मैच पूरे इतिहास में सबसे बढ़िया मैच होने वाला, क्योंकि ऐसा लग ही नहीं रहा था कि हम WWE का मैच देख रहे, ऐसा लग रहा था कि हम कोई मूवी का क्लाइमेक्स सीन देख रहे। मुझे पर्सनली ये मैच बहुत अच्छा लगा, और पार्ट वन की हाईलाइट है बोनयार्ड मैच। आपको अंडरटेकर वर्सेस एजे स्टाइल का जो ये मैच है, ये काफी सालों तक याद रहने वाला, कि इसमें बहुत कुछ ऐसी चीजें देखने मिली जो शायद ही आप लोग ने WWE के किसी भी मैच में देखा होगा। तो मैं तो बस आपको इतना ही बोला कि अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो जल्दी से जाके तुरंत देख लो, क्योंकि कल सेकंड पार्ट रिलीज होने वाला, जहां पर आपको जॉन सीना वर्सेस फेन, ब्रॉक लेसनर वर्सेस ड्रू मैकइंटायर और एज वर्सेस रैंडी ऑर्टन, ऐसे बड़े बड़े मैचेस देखने मिलेंगे, प्लस रॉक टैग टीम चैंपियनशिप भी देखने मिलेगी, प्लस वहां पर वुमेन्स चैंपियनशिप भी देखने मिलेगी। तो कल और भी धमाकेदार मैचेस है, लेकिन जो पार्ट वन में जो मैचेस बताया वो मैच जो आपको मैंने बताया वो मैच जरूर देखना, आपको बहुत मजा आएगा। और स्पेशली बोनयार्ड मैच देखो, आप लोगों को कुछ अलग हटके एक्सपीरियंस जरूर होगा। तो यार बस इस वीडियो में इतना। आपने रेसलमेनिया 36 का पार्ट वन देख चुके तो मुझे कमेंट करके बताओ आप लोगों को कौन सा मैच ज्यादा अच्छा लगा, उसके बारे में भी आप मुझे कमेंट कर सकते हो। और साथ साथ आप मुझे अंडरटेकर वर्सेस एजे स्टाइल का बोनयार्ड मैच, ये मैच आपको कैसा लगा, आपने नहीं देखे तो आप कितना एक्साइटेड हो, ये सब कुछ मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो बस मैं मिलूंगा आपसे कल किसी नए वीडियो में, दिल्ली दुआ में आ सकता। मैं हूँ राजीव सिंह और आप सब अरहान एंटरटेनमेंट।